हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मिली मशीन को मूरी मशीन में कन्वर्ट करने के बारे में। हमें एक मिली मशीन दी हुई है, उसको मैं मूरी मशीन में कन्वर्ट करना है। तो इसको कैसे करते हैं, आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये मिली मशीन जो है दी हुई है, मिली मशीन की ट्रांजेक्शन टेबल दी हुई है हमारे पास। यहाँ पे ये मिली मशीन की ट्रांजेक्शन टेबल दी है। अगर आपके पास मिली मशीन का स्टेट डायग्राम दिया हुआ है तो उसको ट्रांजेक्शन टेबल में कन्वर्ट कर लीजिए। आपको अगर नहीं पता कि ट्रांजेक्शन टेबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो मैंने इसके पहले वीडियो में आपको बताया है कि ट्रांजेक्शन टेबल को ट्रांजेक्शन स्टेट में और स्टेट डायग्राम को ट्रांजेक्शन टेबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारे पास ट्रांजेक्शन टेबल दी हुई है मिली मशीन की, इसको हमें मूरे मशीन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारी इनिशियल स्टेट है। तो अब करना क्या है, हमें यहाँ पे आउटपुट देखना है कि ये इसका आउटपुट है, इसका आउटपुट है। तो हम जब Q1 की बात करें तो Q1 में कौन कौन सा आउटपुट मिल रहा है हमें। Q1 पे देखिए, हमें 0 मिल रहा है और 0 मिल रहा है, दोनों सेम आउटपुट अगर मिल रहे हैं तो हमें उसको मार्क कर देना है, वहां पे टिक लगा देनी है। तो हमारे पास Q1 पे हमें 0 और 0 मिल रहा है तो इस पे हमने टिक लगा दी। Q2 पे हमें 1 एंड 0 मिल रहा है तो इसको हम छोड़ देंगे अभी। इस पे हमें अगली टेबल में थोड़ी बहुत क्रियाकलाप करने पड़ेंगे। अगली बात करें तो Q3 में देखिए, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है तो इसको भी हमें टिक कर दे रहा हूँ। Q4 पे यहाँ 1 एंड 0 है तो इसको ऐसे छोड़ दे रहा हूँ। अब करना क्या है, नई जो टेबल है उसमें देखिए, यहाँ पे प्रेजेंट स्टेट थी, इसकी नेक्स्ट स्टेट थी, ये 0 इनपुट पे था, ये 1 इनपुट पे था और ये इसके रिस्पेक्टली आउटपुट थे। तो अब यहाँ पे प्रेजेंट स्टेट में तो जो स्टेट हमारी टिक ली हुई है, ये वाली और Q3, क्योंकि इसमें सेम आउटपुट मिल रहा है तो इसको एज इट इज लिख दीजिए Q1। तो यहाँ पे आएगा Q3 0, Q2 0। और जिन पे हमने मार्क नहीं किया है उनको दो पार्ट में डिवाइड करना है। कौन कौन से पार्ट, Q20 एंड Q21। Q3 को एज इट इज लिख देना है, Q3 को एज इट इज लिखना है, Q4 को फिर से टू पार्ट में डिवाइड करना है, Q40 एंड Q41। अब देखिए क्या करना है, Q2 से क्या हमें मिल रहा था, Q1, तो इसको एज इट इज लिख देना है, Q1 एंड Q1 दोनों में, क्योंकि दोनों Q2 हैं, ये 0 एंड 1 हमने सफिक्स माने हैं दोनों के लिए Q1। Q3 के लिए क्या था, Q3 के लिए था Q2, तो ये तो एज इट इज आएगा Q2। और Q4 भी हमने स्प्लिट किया है तो देखिए दोनों में Q4 ही आएगा, तो यहाँ पे Q4 एंड Q4। अब इनके जल्दी से आउटपुट लिख देते हैं। देखिए Q2 का आउटपुट क्या आया था, Q1 स्टेट आने के बाद यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। इसका Q3 का आउटपुट क्या आया था, 1। Q4 का आउटपुट क्या आया था, 1 1। अब जल्दी से हम इसको भी फिलअप कर देते हैं। Q2 पे क्या मिल रहा था हमें, यहाँ पे Q4, तो दोनों जगह हम लिखेंगे Q4 एंड Q4। यहाँ पे हमें Q3, यहाँ पे क्या मिल रहा था हमें, Q3 पे Q1, तो Q1। और यहाँ पे क्या मिल रहा था हमें, Q3 एंड Q3 2 टाइम्स, क्योंकि ये दो बार हमने स्प्लिट किया हुआ है इन दोनों में। अब हमें इसका आउटपुट लिख देना, सिंपली आउटपुट इसका Q4 के लिए क्या आया था, 0, तो दोनों Q4 के लिए 0 लिख देंगे। Q1 के लिए कितना आया था, 1। Q3 के लिए कितना आया था, 0 एंड 0। अब क्या करना है हमें, यहां तक कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए। ये तो हमने सिंपली बस यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए कि हमें जो एग्जैक्ट इक्वल नहीं होंगे उन्हीं को हम यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब चूंकि सारी स्टेट प्रेजेंट स्टेट के साथ, सारी स्टेट यहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे Q2 जो आई है, ये जो Q2 स्टेट है, ये Q2 तो कहीं है ही नहीं यहाँ पे, यानी कि हमारे डायग्राम में भी Q2 हमें अलग से बनानी पड़ेगी। तो Q2 नहीं है, Q0 है, Q20 है और Q21 है, यानी कि ये Q2 नहीं होनी चाहिए यहाँ। या तो Q20 होनी चाहिए या Q21 होनी चाहिए। तो हम कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ देखिए क्या है आउटपुट का, 1। तो हम ये Q21 कर देंगे इसको, और कहीं Q2 है और यहाँ Q2 है, तो इसका आउटपुट क्या है, 0। तो यहाँ Q20 कर देंगे। यहां तक कोई दिक्कत, अब देखिए Q3 यहाँ पे प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, Q2 को हम चेंज कर चुके हैं। ये देखिए Q1 यहाँ प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं, Q1 यहाँ प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं। Q4, अब देखिए Q4 भी हमारे पास यहाँ नहीं है, या तो Q4 0 है या Q4 1 है, तो इसका आउटपुट क्या है, Q0, तो ये Q4 0 या Q4 0 हो जाएगा। हमें बस आउटपुट को वहां पे स्टेट के अकॉर्डिंग लगा देना है। और कहीं Q4 है, ये देखिए Q4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये 1 यहाँ आ जाएगा, Q4 1, ये Q4 1। अब देखिए
सारी स्टेट कन्वर्ट हो चुकी हैं। Q3 ओरिजिनल स्टेट है, Q1 भी है, Q21 है, Q41 है, Q41 है, यहाँ पे Q20 यहाँ पर है, Q40 यहाँ पर है, Q40 यहाँ पर है, Q1 यहाँ पर है, Q3 यहाँ पर है, Q3 यहाँ पे है। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको यहाँ तक कोई दिक्कत हो रही है तो जल्दी से इस वीडियो को बैक करिए और दोबारा देखिए, जल्दी से इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे बताते हैं कि आगे आपको करना क्या है। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए ताकि हम आपको आगे बता सकें कि आपको करना क्या है। आई थिंक नोट हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि अब इसमें आपको करना क्या है। तो देखिए, अब आपको क्या करना है, आपको इनको अरेंज करना है सिंगल आउटपुट। अभी आपका डबल डबल आउटपुट है तो आपको उसको सिंगल आउटपुट में कन्वर्ट करना है। चलिए, तो अब हम इसको टेबल यहाँ पे आपको बना के दिखा देते हैं कि अब आपको करना क्या है। या मैं इसको इरेज कर दूँ? नहीं, मैं अलग से ही बना देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। ये आपकी प्रेजेंट स्टेट है, ये आपकी नेक्स्ट स्टेट है, और ये आपका आउटपुट है, क्योंकि हमें यहाँ पे आउटपुट को सेपरेट करना है। ये आपका ए बराबर इक्वल टू 0 है, ये इक्वल टू 1 है, ये इनपुट 0 इनपुट 1। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको सिंपली Q1 लिखना है यहाँ पे। Q1, Q20, Q21, Q3, Q40 एंड Q41। अब आपको करना क्या है, Q1 को देखिए। अब आपको इतना ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको देखना किसमें है, आपको अब इसके अंदर नहीं देखना है, ये तो आपने लिख लिया है जिस चीज। अब आपको इसमें और इस ब्लॉक में देखना है। Q1 देखिए, Q1 कितनी जगह है, Q1 1, 2, 3 जगह है। तीनों में देखिए आउटपुट सेम आ रहा होगा। यहाँ देखिए Q1 आ रहा है, यहाँ भी Q1 आ रहा है, यहाँ भी Q1 आ रहा है, 1, 1, 1 आउटपुट आ रहा है। इसका मतलब Q1 पर आउटपुट क्या आएगा, 1। अभी सिर्फ मैं आउटपुट लिख रहा हूँ, बाद में मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। अब Q20 देखिए, Q20 आपका यहाँ पे कहाँ है, Q20 आपका ये रहा, सिर्फ एक ही जगह Q20 है। गौर से देखिएगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, Q20 पे कितना आउटपुट आ रहा है, 0। देखिए कहीं और Q20 तो नहीं है, नहीं है। अगर आपका हर जगह सेम आंसर आ रहा है तो मतलब आपने प्रोसेस सही की है। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे तीनों जगह 1, 1 आ रहा है, तब आपका आंसर सही है। अगर कहीं पे 0 आ जाता तो इसका मतलब आपने कहीं प्रोसेसिंग पे गलत की है। तो Q20 का आउटपुट क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0, ये 1 है। उसके बाद क्या है, अब Q21 पे आ जाइए। Q21 पे देखिए, Q21 कहाँ है, ये रहा Q21। Q21 का आउटपुट कितना है, 1। और कहीं Q21 है, कहीं नहीं है, तो Q21 का आउटपुट कितना हुआ, 1। तो Q21 के आगे 1 लिख देते हैं। अब Q3 देखेंगे। Q3 पे यहाँ पे देखिए 0 है, और कहीं Q3 है, यहाँ पे भी देखिए 0 है, यहाँ पे भी देखिए 0 है, यानी कि हर जगह Q3 का आउटपुट क्या आ रहा है, 0। तो बस यहाँ पे हमें 0 लिख देना है। यहाँ तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम देखेंगे Q40। Q40 में जब हम देखेंगे तो Q40 कहाँ पर है, Q40 ये देखिए, एक तो ये है और दूसरा ये है, दोनों का ही आउटपुट 0 आ रहा है। और जब ये 0 आ रहा है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0। अब Q41 का देखें, Q41 दो जगह यहाँ पे है और दोनों जगह ही आउटपुट 1, 1 आ रहा है। तो ये हमें पता ही था कि ये सेम आएगा, क्योंकि हम ही ने बना ये टेबल बनाई है। तो ये अगर आपकी गलत है तो आपका देखें कहीं ना कहीं प्रोसेस जरूर गलत की है। तो ये सारी टेबल बन जाने के बाद अब हमें ये टेबल बननी है, तो वो इजी, वेरी इजी। आपने जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही भर देना है। Q1 से कहाँ आ रहा है, Q3 एंड Q2, तो यहाँ पे आ जाएगा Q3 एंड Q2। सिर्फ आउटपुट को हमें, इस आउटपुट को अब अरेंज कर देना है बस, और बाकी सेम टेबल को वहां पे मर्ज कर देना है। यहाँ पे आएगा Q20 में Q1 एंड Q40, Q1 एंड Q40, Q21 में आ जाएगा Q1 एंड Q40, Q40 एंड Q3 पे आ जाएगा Q2 एंड Q1, Q2 एंड Q1 एंड Q4 पे आ जाएगा, 40 पे आपका आ जाएगा Q41, Q41 एंड Q3, Q3 एंड Q41 एंड Q3।
आई थिंक अब आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम ये हमारी क्या हो गई मिली मूरे मशीन मूरे मशीन। देखिए यहाँ पे हमें सिंगल आउटपुट हमें मिल रहा है, स्टेज वाइज आउटपुट मिल रहा है। तो अब इसको कैसे बनाया है, इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, आपको इजीली समझ में आएगा कि कैसे हमने मिली मशीन को मूरे मशीन में कन्वर्ट किया है। अगले वीडियो में बताऊंगा कि मूरे मशीन को मिली मशीन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो बहुत ही इजी है, इससे तो काफी इजी है, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लगाना पड़ रहा है। अब यहाँ पे एक चीज और नोट करने वाली है, वो आप देख लीजिए। देखिए Q20 एंड Q21, Q40 एंड Q41, जीरो के आउटपुट हमेशा जीरो आएगा और वन का आउटपुट हमेशा वन आएगा। ये देखिए जीरो जीरो वन टू वन। और दूसरी बात कि ये दोनों और ये दोनों हमेशा सेम रहेंगे, यहाँ पे भी देखिए ये दोनों और ये दोनों हमेशा सेम रहेंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं जो याद रहेंगे या रखेंगे अगर आप, तो कहीं आपकी गलती हो रही तो आप अपनी गलती पकड़ सकते हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इसको अगर आप यूज करेंगे तो आप गलती नहीं करेंगे क्वेश्चन में, और जहां भी गलती हो रही होगी तो आप उस गलती को पकड़ सकते हैं कि हमारा यहाँ पे गलत आ रहा है या फिर यहाँ पे हमारा जीरो वन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं गलती की हुई है, तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो इन्हें लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसको पढ़ सकें। थैंक यू।